अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ इनडेंजर्ड स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो जिनको ना पैद होने का ख़तरा है, ठीक है, जिनका इस दुनिया से बिल्कुल ही जिनका वजूद ख़त्म होने का ख़तरा है, ठीक है, इनडेंजर्ड है, तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ काज रैपिड एंड वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट अफेक्ट लिविंग थिंग्स। इंसानों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। बहुत सारे जानवर और पौधे जो हैं वो रिस्क पे हैं कि वो नापैद हो जाएंगे। सच स्पीशीज़ आर कॉल्ड इनडेंजर्ड स्पीशीज़, और वो जो रिस्क पे हैं, खतरे में हैं, उनको कहते हैं हम इनडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। वन ऑफ द मेजर काज ऑफ स्पीशीज बिकमिंग इंडेंजर्ड इज हैबिटेट लॉस। सबसे बड़ी वजह जो है इनकी इंडेंजर्ड होने की वो ये है कि उनका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो उनके पास हैबिटेट वो नहीं रहता, जिसकी वजह से वो स्पीशीज इंडेंजर्ड हो जाती हैं। ह्यूमंस कट डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट फॉर हार्वेस्टिंग। अब इंसानों ने जो है जंगलात काटने शुरू कर दिए हैं, वहां से दरख्त काटने शुरू कर दिए हैं, तो जिन जानवरों का वो मस्कन था, जो जानवर वहां रहते थे, उनका तो हैबिटेट खराब हो गया ना, तो वहां पर जो स्पीशीज रहती थी वो फिर क्या हुई, इंडेंजर्ड हो गई। दे क्लियर फॉरेस्ट और ड्रेन वेटलैंड्स टू यूज़ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड सेटलमेंट, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ से फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करना शुरू कर दिए एग्रीकल्चर करने के लिए, माइनिंग करने के लिए या सेटलमेंट के लिए। सिमिलरली पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेसिव हंटिंग आर ऑल्सो द काज ऑफ स्पीशीज बिकमिंग इंडेंजर्ड। उसके बाद जो पोल्यूशन है सब, ये भी बहुत बड़ी वजह है आलूदगी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद जो शिकार लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा शिकार करना, उसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड हो रही हैं। सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान आर स्नो लेपर्ड, इंडस रिवर डॉल्फिन, मारखोर, ठीक है। अब कुछ जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान की, उनमें एक है स्नो लेपर्ड, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, इंडस रिवर डॉल्फिन ये भी इंडेंजर्ड हो चुकी है, ठीक है, कहीं कहीं पे बस मौजूद होगी, और मारखोर भी, ठीक है, पाकिस्तान की ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट्स डिवेलप प्लान्स टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज़। गवर्नमेंट ने प्लान्स डिवेलप किए हैं जिसकी वजह से हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचा सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे। सच प्लान्स इंक्लूड रिड्यूसिंग डिफरेस्टेशन। उन प्लान्स में क्या शामिल है कि जितने दरख्तों का काटना जो है वो कम किया जाए, सेटिंग असाइड नेचर रिजर्व्स, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम किया जाए, एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स। और जितने भी कुदरती हैबिटेट्स हैं जैसे जंगलात वगैरह हैं जहाँ पे जानवर रह रहे हैं, तो उनको हम प्रोटेक्ट करें, बजाय इसके कि हम जंगलात को काटना शुरू कर दें। द हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इज ऑल्सो बैंड, ठीक है। अब जो स्पीशीज इनडेंजर्ड हैं उनका ना तो शिकार किया जा सकता है और ना ही उनको बेचा जा सकता है, ठीक है, उनकी ट्रेड पे भी बैन कर दिया है, पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। मोर ओवर गवर्नमेंट मेक प्लान्स टू टेक इंडेंजर्ड स्पीशीज इनटू प्रोटेक्टिव कस्टडी। ऐसी स्पीशीज को अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है ताकि उनको उनका जो है प्रोटेक्शन की जाए आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स मे बी केप्ट इन जूज। तो फिर एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है, चिड़ियाघर में, ठीक है, तो वहाँ पे उनको रखा जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, खुद उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।